अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज जो है वो चैप्टर थ्री को स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, चैप्टर थ्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये वो वही चैप्टर है जिसको पढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता लगेंगी अकॉर्डिंग टू योर रिलेटिंग टू योर ब्रेन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बारे में आप डिटेल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन, के आपका आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं, किस तरह लिंक्ड हैं, और वो आपस में किस तरह से डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, किस तरह से फंक्शन करते हैं, फंक्शन करने के लिए उनको क्या चीज किस चीज की जरूरत है, ये कनेक्शन, ये लिंकिंग, ये इंटर मैसेजिंग सिस्टम, ये पूरा कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। और ये आप इस इंट्रोडक्शन को सिर्फ आप थोड़ा सा बस रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक नजर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। बाकी मैंने आपको थोड़ा कोऑर्डिनेशन के बारे में डिटेल दे दी। ठीक है, फिर स्टिमुलस मैंने आपको बताया था, व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई चेंज, जो जो भी चीज आपकी बॉडी में कोई चेंज लेकर आती है वो स्टिमुलस कहलाता है। ठीक है, फॉर सपोज आपकी बॉडी के, अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो आपको गर्म लगता है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक पहले से है, आपने उस गर्म चीज को हाथ लगाया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ उस गर्म चीज की वजह से, तो आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस कहलाता है, यानी कि वो टेम्परेचर इज बेसिकली द स्टिमुलस, वो आपकी बॉडी के अंदर चेंज लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो ये फील करते हैं, और इन ऑर्गन्स को कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं जो इन स्टिमुलस को जो है वो फील करते हैं या सेंस करते हैं। ठीक है, सेंसिटिव होते हैं। जैसे फॉर सपोज जब आपकी आंखों पे बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो के फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फोटो का मतलब लाइट और रिसेप्टर्स का मतलब वो ऑर्गन जो कि किसी भी स्टिमुलस को फील करें, सेंस करें। ठीक है, फिर इसके अलावा ईयर्स के अंदर साउंड रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी साउंड को डिटेक्ट करते हैं। नोज के अंदर स्मेल रिसेप्टर्स या कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि गैसेस को या फिर किसी भी जो स्मेल को जो है वो सेंस करते हैं। फिर टंग के अंदर भी एक एक तरह का कीमो रिसेप्टर होता है, लेकिन वो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ये समझ आ गया। देखें, स्टिमुलस यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर है, और फिर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है उसमें, कि आप उसको छोड़ देते हो। ठीक है, तो स्टिमुलस अ चेंज इन द एनवायरमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंस ऑर्गन एंड ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स। जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी में चेंज आएगा तो आप क्या करोगे, एक एक्शन परफॉर्म करोगे, और उस एक्शन के बदले में आप जो, यानी कि जब आप किसी गर्म चीज को पकड़ते हो तो फिर आपका एक्शन रिस्पॉन्स क्या होता है, उस गर्म चीज को फौरन से आप अपना हाथ हटाते हो दूर, तो ये आपका बेसिकली रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स, ये आप पूरी एक्टिविटी हो गई। और हाँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्स को करने के लिए भी तो एक ऑर्गन की जरूरत होती है, जैसे आपका पूरा हाथ, जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो बेसिकली आपको जो फील होता है वो आपकी स्किन पे फील होता है, वो जो शिद्दत गर्मी की महसूस होती है वो स्किन पे होती है। तो स्किन क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। और जब आपको बहुत ज्यादा गर्म लग रहा होता है आप अपना पूरा हाथ हटा लेते हो, आप क्या सिर्फ अपनी स्किन हटाते हो, नहीं, आप अपनी पूरी हाथ की मूवमेंट करते हो। तो हाथ की मूवमेंट इज बेसिकली द इफेक्ट, सॉरी, जो हाथ यानी कि आपका ऑर्गन है वो कहलाया जाता है इफेक्टर। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स देता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गन, वो इफेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम है, स्टिमुलस को रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, फिर मॉड्यूलेटर, ये आप अभी आगे जाके पढ़ोगे। ये मॉड्यूलेटर क्या है, ये सिर्फ वो मैसेजिंग सिस्टम है कि रिसेप्टर से इफेक्टर तक किस तरह से मैसेज पहुंचता है, और फिर इफेक्टर रिस्पॉन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, फिर वापस ये जो है वो मतलब ये ऑन गोइंग साइकिल है। ठीक है, जैसे जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई स्टिमुलस आएगा तो आप क्या करोगे, आप के रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और फिर आप अपने इफेक्टर से रिस्पॉन्स परफॉर्म करोगे। अच्छा, फिर कोऑर्डिनेशन कितनी टाइप्स की हो सकती है? अच्छा, फिलहाल सबसे पहले आप यहाँ पे स्टिमुलस, एक मिनट, ये स्टिमुलस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये पूरा
और ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गई, तो ये आप पूरी एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये तो एक डेफिनेशन हो गई स्टिमुलस की, लेकिन मैं अब ये दूसरे कलर से मार्क करवा रहा हूँ आपको, रिसेप्टर की डेफिनेशन वो इसी के अंदर है। द चेंजेस आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, ये पूरी रिसेप्टर की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक है, और स्टिमुलस की डेफिनेशन आप अच्छा एक काम करें, स्टिमुलस की डेफिनेशन आप यहां तक कर लें फिर। ठीक है, ओहो मैंने, ठीक है मैं ब्लू से मार कर देता हूँ। ये स्टिमुलस की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक हो गई, ठीक है, और फिर रिसेप्टर की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये स्टिमुलस की डेफिनेशन ये भी लिख सकते, ये भी लिखी जा सकती है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, या ये वाली लिख लें या ये वाली लिख लें, कोई भी एक लिख लें। ठीक है, लेकिन लिखना है अपनी अपनी कॉपी में, नोट करना है। फिर रिस्पॉन्स की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स होती है, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये होती क्या, पहले आप इसकी मार्किंग कर लें, इस पे डिफरेंस आ सकता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन यहाँ से लेकर ये पूरा आपने याद करना है। ठीक है, ये मार्क कर दिया मैंने आपको, इस पे डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर वो सिंपली आपसे इंडिविजुअल डेफिनेशन पूछ लेगा के डिफाइन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड डिफाइन नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा वैसे ही मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे फॉर सपोज अगर अगर वो सिंपल नर्वस कोऑर्डिनेशन पूछे, तो आप इस तरह से पॉइंट्स बना के जो है, मतलब अगर वो सिंपली वो नर्वस कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है, वो डिफरेंसेस की फॉर्म में नहीं पूछ रहा, अगर वो डिफरेंसेस की फॉर्म में पूछ रहा है, तो आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉपर डेफिनेशन पूछ रहा है ना, तो फिर आपको ये लिखनी पड़ेगी बाकायदा तौर पे। फॉर सपोज आपसे पेपर में सवाल आ गया, डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफाइन देम, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये पूरा यहां से लेकर ये पहले यहां तक लिखा आपने, फिर यहां से लेकर ये वाली यहां तक लिखनी है आपने, और यहां से लेकर ये यहां तक। ठीक है, ये वाली लिखनी, ये जो लाइन लिखी लिखी भी नजर आ रही है, इसको नहीं लिखें आप, ये वाली भी नहीं लिखें। ठीक है, बाकी मैंने आपको मार्क करवा दिया है, यहां से लेकर देयर आर टू से लेकर नर्वस कोऑर्डिनेशन तक, केमिकल कोऑर्डिनेशन यहां से लेकर यहां तक हो गई, नर्वस कोऑर्डिनेशन आपको यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, रैपिड तक। अच्छा अब हम क्या होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, देखो जिस तरह से फॉर्स, अगर मैं पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन समझ लेते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन जब जब जैसे जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो तारों के जरिए इलेक्ट्रिक करंट आपके घरों के अंदर आ रहा होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ इसी सिंपल, मतलब तार तो नहीं होते, इलेक्ट्रिक वायरस तो नहीं होते, लेकिन उस जैसे दिखने वाले अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में मटेरियल डाला हुआ है, यानी कि जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती है ना, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसी तरह हमारी बॉडी में भी मैसेजेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए ब्रेन जो है वो अब दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के थ्रू मतलब की तरफ भेजता है, और वो थ्रू नर्व्स भेजता है, न्यूरॉन्स भेजता है, ये न्यूरॉन, जैसे फॉर सपोज ये हो गया बी फॉर ब्रेन, और बॉडी पार्ट्स हम बीपी से लिख देते हैं, बी फॉर ब्रेन एंड बीपी फॉर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ब्रेन जब अपना सिग्नल इन बॉडी पार्ट्स को भेजेगा, तो उसको कोई ना कोई बीच में रास्ता चाहिए, और जिस रास्ते से वो भेजता है ना वो मैसेज, वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं या नर्व्स कहलाते हैं, NERVES, वो भी पढ़ेंगे नर्व्स। ठीक है, तो ये वाली जो कोऑर्डिनेशन कहलाएगी वो नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाएगी, जो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान हो रही होती है। ठीक है, और होता ये है यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए, ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि आपकी बॉडी में भी बहुत माइन्यूट सा, आपको फील तो नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर रहा होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल्स और मैसेजेस का काम करता है, मैसेजेस के रोल जो है वो ये परफॉर्म करता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेट मतलब मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जब आपको कुछ गर्म चीज, आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो, तो आपके ब्रेन को सिग्नल
जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फील करते हैं, वो आपके ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए, और ब्रेन फिर उनको कमांड करता है कि सिग्नल, वही सिग्नल के जरिए कि हटा लो हाथ, तो फिर आप हाथ हटा लेते हो, वो एक्शन परफॉर्म करते हो। तो ये बेसिकली जो है वो बहुत ये बहुत ये तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बड़े टाइम में बताया, लेकिन ये बहुत माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये काम हो रहा होता है। आप फौरन हाथ रखते हो, ऐसे तो नहीं होता ना कि आप रखे रहते हो, अब गर्म लगेगा मुझे, अब गर्म लगेगा, तो आप रखे रहते हो उसके बाद, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन आप क्या करते हो, फौरन जैसे आपको गर्म लगता है फौरन आप हटाते हो, तो ये माइक्रो सेकंड्स नैनो सेकंड्स के अंदर ये काम हो रहा होता है। फिर होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन आप नाम से जाहिर है, कोऑर्डिनेशन बाय केमिकल्स, आपकी बॉडी में कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं और उसके जरिए ये जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अभी ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है सब आपको आगे पता चलेगा, फिलहाल अभी इतना इंट्रो काफी है इसके लिए। अब आ जाएं कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, ये क्या है, सिर्फ आपको याद रखना है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें किस तरह होता है होती है, इसमें इसमें भी केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होती है, ठीक है, इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं होता इनके पास, कोई ब्रेन वगैरह नहीं होता, तो इसमें सिंपली केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। जिस तरह से ये टच मी नॉट के बारे में मैंने आपको सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ाया था, तो टच मी नॉट में ये क्या, टच मी नॉट में था क्या बेसिकली, कि जब आप इस प्लांट को, ये रहा टच मी नॉट प्लांट, जब आप इस प्लांट को हाथ लगाते हो तो ये प्लांट फोल्ड होने लगते हैं, इसके लीव्स एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद भी ये वैसे ही अपनी पोजीशन पे आ जाता है। फिर कुछ ये सब ये इसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल कंपाउंड की वजह से अपनी मूवमेंट करता है, ये कोऑर्डिनेशन ड्यू टू केमिकल इसके अंदर होता है वो, और उन केमिकल्स की मदद से कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। यानी कि इसकी बॉडी में भी रिसेप्टर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जैसे ही टच को डिटेक्ट करता है ना, फौरन इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे पार्ट्स से, और फॉरन फोल्डिंग की कमांड रिलीज होती है, और फिर वो मतलब जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल ये इतने डिटेल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया है, इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, इतना कुछ इसमें से पूछा नहीं जाएगा ना, मैं इसको मार करवा रहा हूँ, लेकिन इसकी रीडिंग आपने लाजमी करनी है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि जो सनफ्लावर्स हैं, सनफ्लावर्स क्या करते हैं, जब आपने अगर कभी किसी ने सनफ्लावर देखा है, तो सनफ्लावर का जो जो फेस होता है ना, वो हमेशा सन की डायरेक्शन में होता है, जिधर सन होता है उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर की जो है वो सनफ्लावर का फेस होता है। और ये ड्यू टू सम मूवमेंट, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेशन के जरिए होता है, और ये किस केमिकल कंपाउंड की वजह से होता है, कुछ फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं सनफ्लावर के अंदर, जिन्हें ऑक्सिन्स कहा जाता है, जिनका नाम है ऑक्सिन्स, और इसकी वजह से ये सनफ्लावर जो है वो घूम जाते हैं सन की तरफ, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि ये फाइटो हार्मोन इज बेसिकली अ केमिकल, और इसका नाम क्या है, ऑक्सिन है। फाइटो हार्मोन क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो कि सनफ्लावर को सनफ्लावर की कोऑर्डिनेशन या और उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये सब आप थोड़ी बहुत रीडिंग कर लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, बहुत आसान आसान लिखा हुआ ये। फिर आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आप जो है वो, अब मैंने आपको बताया आपका ब्रेन आ गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया, जो जो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत इंट्रो दिया। अब ये कितने तरीके के होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये दो मतलब दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के ये दो डिविजन्स हैं इसके, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन से एक मेन नर्व निकल रही होती है बड़ी सी, जो आपकी बैकबोन जो होती है ना उसके बीच में होती है ये नर्वस सिस्टम, ये यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी बैकबोन के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। फिर स्पाइनल कॉर्ड से कुछ तारे, जिसे कह तारे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ इस किस्म का सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ किस्म का इस तरह, अगर ये मैं आपको बना के दिखाऊं, ये आपका ब्रेन है, और यहाँ नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, फिर स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ ये यहाँ से कुछ किस्म के जो तार जैसा स्ट्रक्चर आप कह लो,
निकल रहा होता है, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ये नर्व्स होती हैं, इनको नर्व्स कहा जाता है। नर्व्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, नर्व्स ये रहा न्यूरॉन, ये नर्व जिसकी मैं बात कर रहा था, नर्व। ठीक है, तो ये नर्व बेसिकली यहाँ पे नर्व्स होती हैं। कहाँ पढ़ा रहा था मैं, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास, ये नर्व्स होती हैं, और ये नर्व्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती हैं ताकि ब्रेन सिग्नल दे भी सके और ब्रेन को सिग्नल मिल भी सके। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे ये ब्रेन की आपने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी आपको पढ़ाएंगे अभी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैं आपको बल्कि यहीं पे बता देता हूँ, मैंने खामखाई में मिटाया, ये आपका ब्रेन था। ठीक है, आई एम सॉरी, ये सही से तो नहीं बन रहा मुझसे, लेकिन मैं क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ तो इस वजह से मुझसे सही से नहीं बना, लेकिन आप इमेजिन कर लें ये आपका ब्रेन है और ये आप नीचे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मैंने आपको बताया नर्व्स निकल रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं जो आपकी बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती हैं, ये कहलाता है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसकी स्पेलिंग आगे लिखी भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं बल्कि आपको पेरिफेरल भी अभी बता देता हूँ, ये रहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये रहा आपका सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारी नर्व्स जो मैंने आपको बताई, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया ना, यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है, और ये पूरा आपकी बॉडी पार्ट्स और हर हर ऑर्गन, हर हर मसल के अंदर ये जो है वो नर्व्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो फैली हुई होती हैं, जहां से फिर आपको सिग्नल मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो ये आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आपकी पूरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, और ये आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मैंने आपको डेफिनेशन मार्क करवा दी, हो सकता है वो आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले कि डिस्क्राइब द पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने पूरा लिखना होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरफ। ये ह्यूमन ब्रेन की आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी डायग्राम बिल्कुल आती है और आएगी, तो ये डायग्राम आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सिर्फ इसके नाम है। ठीक है, हर बॉडी पार्ट, सॉरी हर ब्रेन के पार्ट के अपने अपने नाम है यहाँ पे लिखे हुए। अब आ जाते हैं ब्रेन के ऊपर। ब्रेन क्या है? ब्रेन आपका ये समझ लें, जैसे न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस हर चीज को कमांड करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ब्रेन की, तो ये आपका बेसिकली कंट्रोल सेंटर है, या मैसेजिंग सेंटर है, या कमांड सेंटर है, जो आपकी बॉडी को मैसेजेस देता है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है आपकी बॉडी पार्ट्स को, ब्रेन करता है। ठीक है, और आपके ब्रेन के ऊपर ना कुछ लेयर्स मौजूद होती हैं, जो आपका एक तो स्कल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था सपोर्ट एंड मूवमेंट में, स्कल होता है। ठीक है, जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर यानी कि स्कल के अंदर आपका ब्रेन होता है, और स्कल, और ये आपका स्कल हो गया, तो मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। ठीक है, ये अगर आपका स्कल है और ये आपका ब्रेन है, तो इस इन दोनों के दरमियान ना तीन लेयर्स होती हैं, जिसे कहा जाता है मेनिंजेस। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस आप बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, जिस तरह स्कल प्रोटेक्ट करता है, ये भी ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, इतना नाजुक आपका ब्रेन होता है। फिर कुछ आपके ब्रेन के अंदर ना एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिससे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भी आपकी ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, आपके ब्रेन को ड्राई नहीं होने देता,
आपके ब्रेन को ये समझ ले मॉइस्चराइज्ड रखता है, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन में इंजरी ना हो, ठीक है। फिर ये ब्रेन के पार्ट्स आ गए। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट: सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिब्लम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब ये नाम मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन आपको याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन आप मतलब कोई इसकी डेफिनेशन में मार्क नहीं करा रहा, जो चीज मार्क करने की वो मैंने आपको करा दी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन प्लस आपने ब्रेन की डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब ब्रेन के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम बेसिकली आपका लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन, ये जो येलो कलर का सब्सटेंस नजर आ रहा है आपको ब्रेन, दिस इज बेसिकली सेरिब्रम। सेरिब्रम का बाहर से अगर आप हिस्सा देखोगे ना, जैसे जो आपको बाहर से कभी अगर देखा हो आप लोगों ने गाय या बकरे के जब जो आपको ब्रेन नजर आता है, वो बाहर से जो नजर आ रहा होता है ना बेसिकली, वो कहलाता है आउटर पार्ट, और वो उसका नाम है कॉर्टेक्स। और ये ग्रेश थोड़ा सा कलर का होता है, आपको पिंक तो नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आप कभी गौर से देखना तो उसमें थोड़ा ग्रेश कंटेंट होता है, ठीक है। आपको मतलब इतना प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगा, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आउटर पार्ट होता है, जो ब्रेन का आउटर पार्ट जो आपको नजर आ रहा होता है, वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है, ठीक है, वो व्हाइट कलर का होता है। कभी जब ब्रेन को पूरा काट के देखोगे ना, तो आपको व्हाइट कलर का अंदर से अंदर मटेरियल नजर आएगा, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रे मैटर जो बाहर होता है, और एक होता है अंदर व्हाइट मैटर, ठीक है। अच्छा, फिर इसी सेरिब्रम, सेरिब्रम के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने अखरोट देखा है सबने, बिल्कुल वैसी ही शेप होती है ब्रेन की, तो अखरोट को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, बिल्कुल हाफ, एग्जैक्ट हाफ में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक होता है सेरिब्रम का राइट और एक होता है लेफ्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये आपने यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगी। देखो, जो आपका फॉर सपोज ये आपका, ये असल में यहाँ पे इस तरह बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं आपको दिखा देता हूं, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूं, ठीक है। ये अच्छी पिक्चर है, मैं आपको इससे दिखाता हूँ, ये नजर आ रही है, ये देखें, ये सेरिब्रम है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा ये देख रहे हैं आप बीच में, ये लाइन नजर आ रही है आपको, एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है, एक राइट है और एक लेफ्ट है, ठीक है। एक राइट सेरिब्रम है और एक लेफ्ट सेरिब्रम है। इंटरेस्टिंग बात ये बताने जा रहा हूं मैं आपको कि जो राइट साइड ऑफ द जो आपका सेरिब्रम है, वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रम है वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको नहीं जानना, सिर्फ आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया, आपको इससे मजीद मैं डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि आप जिस अभी लेवल पे आप इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको जो चीज बतानी थी, जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, वो सिर्फ मैंने आपको बताई है ये, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग सी बात थी जो मैंने आपको भी बताई है, ठीक है। अब वापस आते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे, अब आप देखते हैं, फिर सेरिब्रम के हर हेमिस्फेयर के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, हर यानी कि एक तो ये हो गया ना, अगर मैं आपको वापस वही डायग्राम, एक मिनट, ये रहा, तो अगर मैं आपको इस डायग्राम में लेकर आऊं, तो ये एक इसको कहते हैं हेमिस्फेयर, ये वन हेमिस्फेयर हो गया और ये दूसरा हेमिस्फेयर हो गया, एक राइट हेमिस्फेयर होता है और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है। ये पूरा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के दो हिस्से होते हैं जिन्हें हेमिस्फेयर कहा जाता है, फिर हर हेमिस्फेयर के मजीद चार हिस्से होते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं हम इस पे, तो ये हिस्से लगे हुए हैं, एक होता है सामने वाला जिसे कहते हैं फ्रंटल लोब, एक होता है बिल्कुल आपके हेड के ऊपर जिसे कहते हैं पेराइटल लोब,
एक होता है बैक साइड पे, इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। एक होता है नीचे आपकी ईयर के थोड़ा सा ऊपर होता है ये, इसे कहते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो होता ये है, फिर ये नीचे ब्रेन स्टेम आपको नजर आ रही होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती है। फिर एक और हिस्सा होता है ये नीचे बिल्कुल आपके बैक साइड, जो आपकी गर्दन वाला हिस्सा होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर, ये सेरिब्लम होता है। मैं यहीं पे आपको इसके फंक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, वैसे इतनी तो आपकी इंग्लिश आपकी है, और मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आपकी होनी भी चाहिए कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैं हर फंक्शन तो नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत आसान है। आप फ्रंटल लोब में देखोगे तो क्या करेगा ये, मोटर कंट्रोल, यानी अच्छा अब ये है क्या मोटर कंट्रोल, और ये मोटर कंट्रोल बेसिकली न्यूरॉन्स की ही टाइप है। ठीक है, न्यूरॉन, मैं अभी आपको बताऊंगा कि बेसिकली न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं। मेरे ख्याल में आपकी बुक में नहीं गिवन है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूरॉन्स की तीन टाइप होती है, एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर और एक होती है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन बेसिकली क्या है, यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन न्यूरॉन बेसिकली जैसे हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से, इस तरह ब्रेन के सेल्स को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। ये रहा ब्रेन का एक सेल न्यूरॉन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इसे कहा जाता है सेल बॉडी या सेल सोमा। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है सेल प्रोसेस, ये लिखा हुआ है, सॉरी, सेल सेल बॉडी और सोमा इसे कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ये तार जैसा वायर जैसा, इसे कहते हैं सेल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, फिर ये पूरा एक जेली लाइक सब्सटेंस के जरिए इंसुलेटेड होता है, कवर्ड होता है, यानी कि इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जेली लाइक सब्सटेंस की, जिसे कहते हैं माइलिन शीथ की, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे जो तारे होती हैं, तार के ऊपर रबर का मटेरियल लगाया जाता है, अंदर तार तो कॉपर की होती है ना, है ना, अंदर तार जो होती है वो कॉपर की होती है। आप वैसे हाथ लगाओ किसी भी तार को, आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। ब्लैक कलर का मटेरियल उस पे एक इंसुलेशन की जाती है रबर की, ताकि करंट नहीं लग सके या तार खराब नहीं हो सके। ठीक है, अगर ऐसी खुली तार जो है वो आप लगा दो तो तार खराब भी हो सकती है, प्लस बारिशें होती हैं तो तार खराब हो सकती है, आपको भी नुकसान हो सकता है। आप गलती से हाथ लगा लो तो बिल्कुल आपको करंट लग सकता है। इसी तरीके से नर्व और न्यूरॉन्स के ऊपर एक जेली लाइक सब्सटेंस अल्लाह ताला ने इस पे कवर किया हुआ है, जिसको कहते हैं माइलिन शीथ, और ये भी न्यूरॉन को बेसिकली प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली न्यूरॉन, अब यहाँ पे आप जो है वो, ये तो मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया। फिर न्यूरॉन की तीन टाइप्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ये आपके कोर्स में नहीं है ना आपकी चैप्टर में है, लेकिन अच्छा पहले आपकी बुक में था लेकिन अब हटा दिया है। मैं आपको बस बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे भी आप फौरन फौरन इसको भी मार्क कर लें हाथ के हाथ, ताकि आपको ये वाला भी हो जाए न्यूरॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक। बल्कि एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक हो गया। ठीक है, और बाकी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, ये डायग्राम बिल्कुल पूछी जा सकती है, और बाकी अगर न्यूरॉन पे शॉर्ट नोट आए तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, मुझे याद है मेरे पेपर में कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे मुझसे पहले कभी भी न्यूरॉन के बारे में नहीं पूछा गया था। और मेरी अटेम्प्ट, जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरी अटेम्प्ट वो वाहिद अटेम्प्ट थी, जिस अटेम्प्ट का मतलब जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे पेपर में मतलब वो पहली बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया था। तो ये नहीं सोचिएगा कि आज तक नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा बेटा। जो चीजें नहीं आती ना वो टेस्ट होती हैं, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं टेस्ट होने के। तो वैसे तो ये आ चुका है अब, लेकिन आपको इसकी डायग्राम की, इसके जो है वो शॉर्ट नोट की तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया न्यूरॉन। अब फिर मैं आपको बता रहा था यहाँ पे फ्रंटल लोब मोटर कंट्रोल, यानी कि मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करना। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपका ये वाला हिस्सा सोच 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 उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है।
ठीक है, इसके अलावा आपकी आवाज जो भी निकल रही है, ये आवाज आपके ब्रेन, ये जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, ये कमांड कर रहा होता है आपके वोकल कॉर्ड्स को, जहां से आवाज निकल रही होती है। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं इसको छोड़ दें, मैंने सिर्फ एक एक नाम ले लिया, ठीक है। यहाँ से बेसिकली वोकल कॉर्ड्स आपके असल में जो आपकी आवाज निकल रही होती है ना, वो बेसिकली आपके हलक के अंदर एक वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपकी आवाज आपकी स्पीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपकी आवाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये स्पीच प्रोडक्शन भी इसको कंट्रोल फ्रंटल लोब करता है। पेराइटल लोब, अगर टच आपको कोई टच करता है, या आप कोई ऐसी आप सेंसेशन जो आपकी स्किन पे महसूस हो, वो पेराइटल लोब डिटेक्ट करता है, या वो उससे मतलब डील करता है, या उन उस उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉडी ओरिएंटेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ यहाँ पे ये इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई सेंसेशन होती है, आपको फॉर सपोज आपको खारिश हो रही है, तो आप अपने हाथों को, जो आपका ब्रेन अपने हाथ आपके हाथों को कमांड करता है, ठीक है, तो आप फिर क्या करते हो, उस जगह को रब करते हो। खारिश होती है आपको, तो ये रब करते हो ना आप उसको, आप आपकी स्किन पे सेंसेशन होती है, आपको टच फील होता है कोई, आपको गर्म ठंडे का एहसास होता है स्किन पे, ये बेसिकली आपका पेराइटल लोब करता है। ऑक्सीपिटल लोब आपकी नजर, आपका आंखों का, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल लोब करता है, आप देख सकते हो ये, ड्यू टू ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन है इसको कंट्रोल करना। सेरिब्लम बेसिकली जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है ना, जो मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन बताया मैंने आपको, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम, आपके जितने भी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, हार्ट बीट, ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट जो इनवॉलेंट्री जो आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, जो फंक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं है, उन सबको ब्रेन स्टेम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। फिर टेम्पोरल लोब, जिसमें टेम्पोरल लोब जिसमें आपकी मेमोरी होती है, जिसमें आपको चीजें जो आपको याद रहती हैं, चीजें आप अपनी चीजों को रिटेन रखते हो मेमोरी के अंदर, जब आप याद करते हो पेपर में, तो बेसिकली मेमोरी रिटेन रहती है इसके अंदर, यहाँ पे आपकी सारी मेमोरी होती है। ऑडिटरी लिसनिंग का, लैंग्वेज वगैरह, ये सब जो है वो आपका, ये ब्रेन जो है वो यानी कि हर ब्रेन का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिफरेंट इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब सेरिब्रम पे बिल्कुल नोट पूछा जा सकता है, वैसे सेरिब्रम पे नोट आ भी सकता है और आता भी है। सेरिब्रम पे राइट अ नोट ऑन सेरिब्रम, तो काइंडली 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 आप सेरिब्रम पे ये नोट आप याद करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहां से लेकर यहां तक, फिर फ्रंटल लोब और ये इसके लोब्स लिख दीजिएगा, बल्कि ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां तक, ठीक है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक बस, ठीक है, ये बाकी नहीं लिखिएगा, बाकी सिर्फ आप रीडिंग कर लीजिएगा, रीडिंग तो करनी लाजमी है ना, ठीक है। तो ये होगा सेरिब्रम, फिर ये कॉर्टेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्टेक्स का फंक्शन भी बताया हुआ, ठीक है। दिस द कॉर्टेक्स एसोसिएटेड विद प्लान्स एक्शन डिटरमिनेशन, आपके क्या प्लान्स हैं, आप आगे के लिए क्या सोच रहे हो, ये सब आपका कॉर्टेक्स के अंदर आपकी सोच डेवलप होती है, ठीक है। फिर थैलेमस एक बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रेन का पार्ट है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस लाइज इनसाइड द ब्रेन जस्ट अबव द हाइपोथैलेमस, इट गाइड्स द स्टिमुलाई टुवर्ड्स अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। अब होता क्या है, जो आपके बॉडी के अंदर स्टिमुलाई आया है ना, बेसिकली ये सिर्फ उसको डायरेक्शन देता है, ठीक है। फॉर सपोज जब आप स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे होते हो, तो आप अपनी टीचर से पूछते हो ना कि मेरी क्लास कहाँ पे है, ठीक है। तो टीचर इज बेसिकली आपको एक गाइडर है, जो आपको गाइड कर रही है रास्ता, ठीक है। तो इसी तरह हाइपोथैलेमस, सॉरी थैलेमस जो है, ये बेसिकली जो आपका स्टिमुलस आता है ना, वो ब्रेन के किस हिस्से में जाएगा, ये बताता है थैलेमस, ठीक है। कौन बताता है, ये थैलेमस बताता है। तो थैलेमस की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, ठीक है। फिर आता है हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब लोअर, थैलेमस का मतलब वो स्ट्रक्चर जो थैलेमस के नीचे होगा वो हाइपोथैलेमस कहलाएगा, ठीक है। फिर हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस में आपकी मेमोरी रिटेन रहती है,
जो आपको चीजें याद रहती हैं, ठीक है, ये भी आपकी मेमोरी, ये भी आपकी मेमोरी को रिटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस आपके ब्लड प्रेशर को, आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपकी भूख को, प्यास को, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आपके होमियोस्टेसिस को मेंटेन कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस की और हिप्पोकैम्पस की जो है वो आपने डेफिनेशन लिखनी है। फिर एमेगडेला, एमेगडेला आपके इमोशंस, आपको दर्द होता है, आपको कभी रोना आता है, कभी खुशी महसूस होती है, इमोशंस आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? एमेगडेला, ठीक है। ये भी आपकी ब्रेन का ही पार्ट है। ये कहाँ पे होता है, ये लोकेशन नहीं गिवन है, डिटेल लोकेशन आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। आप बस अभी आपको सिर्फ याद रखना है, एमसीक्यूज के ज्यादा चांसेस हैं, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। बाकी आपका अगर मेरा नहीं ख्याल कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन इनफैक्ट अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेके डिफाइन ब्रेन, हाँ ब्रेन की डेफिनेशन मैंने आपको मार्क नहीं करी, ठीक है। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेन, यही हो गया आपके ब्रेन की डेफिनेशन। अगर वो पूछेगा भी तो बस आप ये लिख दीजिएगा ब्रेन की एक लाइन की डेफिनेशन, और डिटेल में पूछेगा तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब बताना पड़ेगा आपको। फिर आता है मिड ब्रेन, नाम से जाहिर है आपके ब्रेन के बीच के अंदर होगा, ठीक है, बीच का हिस्सा आपका ब्रेन का मिड ब्रेन कहलाता है। और ये आपकी विजुअल यानी कि आंखों को, स्मेल को, ठीक है, आपकी स्मेल और आपकी जो नजर होती है उसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की डेफिनेशन यहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर होती है फिर सेरिब्लम, सेरिब्लम मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ये आपकी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्रेन से लेकर और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। तो ये सेरिब्लम की आपने यहाँ से लेकर, सेरिब्लम भी अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्टिविटीज लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग हैविंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू इट्स एलिबरेट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन। अब आप एक बात बताओ, जो कोऑर्डिनेशन अगर आपकी बॉडी में नहीं होगी तो आप ये एक्टिविटीज कभी परफॉर्म कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्यू टू कोऑर्डिनेशन है, और ये कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला कौन है? सेरिब्लम, ठीक है। फिर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपकी दूसरी एक्टिविटीज को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, खांसना, निगलना, हिचकी आना, डाइजेस्ट, ठीक है, ये डाइजेशन, ये सब आपकी जो एक्टिविटीज है इनवॉलंटरी है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। और इन एक्टिविटीज को रिफ्लेक्सेस कहते हैं, इन एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सेस। अभी रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको रिफ्लेक्सेस, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपकी इन चीजों से डील करता है। फिर है पॉन्स, पॉन्स बेसिकली इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। वेंट्रल आपका मतलब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जहां पे है उसके सामने वाले हिस्से में ये होता है, ठीक है। जैसे हाथ का आपका जो आपकी हथेली होती है वो वेंट्रल साइड, और जो जहां पे आपके नेल्स होते हैं वो डोर्सल साइड होती है। तो इस तरह से मॉड्यूला मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का एक सामने वाला हिस्सा होता है जहां पे ये पॉन्स होते हैं। ये पॉन्स भी छोटे छोटे, छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे तो नहीं होते, ये एक छोटा सा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फेशियल मसल्स एज वेल एज इन स्लीप एंड वेकनिंग। आपको सोने और जगाने में ये इसी यानी कि इसी पार्ट का जो है वो रोल है। और आपका जो फेस के मसल्स है ना, ये जो आपको मूव कर सकते हो, स्माइल कर सकते हो, आप गुस्सा आता है, आप अपनी आईब्रोज को जो है वो आप अपनी आईब्रोज से अपना फेस बना लेते हो, ठीक है। आपके मसल्स जो आपके फेस के अंदर है इनको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? पॉन्स की, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी हो गया, पॉन्स भी हो गया, ठीक है। ये पूरा आपका डिटेल में पूछा जा सकता है, या तो वो डायग्राम पूछ लेगा या वो नोट पूछ लेगा इस पर, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली मैंने आपको अभी बताया, आपके ब्रेन से निकलने वाली जो एक मेन रास्ता होता है ब्रेन तक, सॉरी मैसेजेस को लेकर जाने का डिफरेंट बॉडी के अंदर, वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है, ठीक है। जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है ना, वहीं से नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है आपकी ये, ठीक है। इसमें भी वही जैसे मैंने आपको ब्रेन में बताया कि सेरिब्रम में बताया, एक व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, इसके अंदर भी एक
अच्छा इसमें उल्टा है, एक बात याद रखिएगा, सेरिब्रम में आउटर रीजन ग्रे होता है और इनर रीजन वाइट होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जो आउटर रीजन होता है वो वाइट कलर का होता है और जो इनर रीजन होता है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, इसकी जिस तरह से ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं, लेयर्स होती हैं, इस तरह से इसमें भी मेनिंजेस होती हैं, इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये ही वो मेन कंट्रोलर होता है रिफ्लेक्सिस का, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, ये कहाँ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रिफ्लेक्सिस को कंट्रोल करता है, जो इनवॉलेंट्री, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन एक्टिविटीज को, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जुड़ा हुआ ही होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड का भी यही काम होता है कि वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन मार्क नहीं करा रहा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? अब इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली आपके प्री प्लान्ड कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो आपने आज तक सीखे नहीं होते हैं, खुद ही हो जाते हैं। जैसे आप आंख झपकते हो, क्या आपने किसी से सीखा होता है? नहीं। जैसे आपने, आपको कहीं पे आपके फिंगर पे आपको बहुत जोर से गर्म लगा, आपने हटा लिया, क्या आपको किसी ने सिखाया है कि आपको हटाना है इस तरह आपको, आप फौरन खुद हटाते हो? ये बेसिकली कुछ प्री प्लान्ड, ये कुछ आपकी बॉडी के अंदर इनेट बिहेवियर्स होते हैं जो आपने लर्न नहीं करे हुए होते हैं, आपने सीखे नहीं होते, या आपने या आप खुद ही कर जाते हो, ऑटोमेटिक होते हैं बेसिकली है। ठीक है, और इन तमाम तर एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, अभी मैंने बताया, हैंड का विद्रॉल, गरम गरम या ठंडी चीज को हाथ लाके फौरन छोड़ देना। ठीक है, नी जर्क, नी जर्क बेसिकली नी जर्क क्या होता है? अब मैं आपको इस पे बता तो नहीं सकता, अच्छा मैं इसको बता देता हूँ फिलहाल, आगे वाला देख लेना। स्नीजिंग, आपको छींक आती है, हिकअप्स, हिचकी आती है, खांसी आती है, सब आपके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, और इन सब को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपके जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रास्ता होता है ना, ये यहाँ से जैसे, यानी कि आपकी आंखों पे लाइट पड़ी तो ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने कमांड करी अपनी आंखें झपक लो या पलक झपक लो, तो आपकी आईज ब्लिंक कर जाती है, कमांड आता है ब्रेन से, तो आप अपनी आंखों को झपका लेते हो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो मैसेज का सिस्टम आना और जाना, ये सबसे शॉर्ट रास्ते से होके गुजरता है, और उस रास्ते को कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं उस रास्ते को, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, सबसे छोटा रास्ता होता है। ठीक है, और ये सबसे जल्दी होने वाला काम होता है। ठीक है, तो इस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन या नोट बिल्कुल इस पे आता है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन आपने यहां से लेकर यहां तक आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखें, सेंसरी इंटर न्यूरॉन के बारे में गिवन है, लेकिन आपकी जो है वो उसमें नहीं गिवन है, बस आपने ये याद रखना है। इसमें जो मेन मेन आपको बातें बता दी वो यही है कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, आपने याद नहीं, आपने सीखे नहीं होते, ये प्री प्लान्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो मैसेजेस का सिस्टम होता है, ये मैसेज जो जाता है आपका यहाँ से लेकर ब्रेन, और फिर ब्रेन से वापस आना, ठीक है, सबसे शॉर्ट रास्ते से होके गुजरता है, जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और इस रिफ्लेक्स आर्क से मैसेज जो आता है और जिसकी वजह से एक्शन परफॉर्म किया जाता है, उस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली वो एक्शंस होते हैं जो आपके इनवॉलेंट्री होते हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और साथ ही साथ ये आपने सीखे नहीं होते, ये खुद हो जाते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं। ठीक है, नी जर्क, अब नी जर्क बेसिकली क्या होता है, आपकी अगर जो आपकी नीज, यानी कि जो आपका घुटना होता है, वहां पे एक ना टेंडन होता है, टेंडन मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड मूवमेंट में, जिसने नहीं देखी
टेंडन्स, वो काइंडली उसको देख ले, आपको दबी टेंडन का मतलब समझ आएगा, टेंडन बेसिकली, ठीक है। तो टेंडन पे जब आप हिट करते हो ना, तो आपका जो पाँव होता है ना, लोअर, जो लोअर लेग होता है, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यानी कि उस पे एक मैं आपको ये बता देता हूँ, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ नीजर का, आपको पता नहीं समझ आए मेरी बातों से ना आए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखें, जब आपके इस घुटने पे ये एक हैमर जैसी चीज होती है, ये मार, जब रिफ्लेक्स हैमर इसे कहते हैं, जब ये मारा जाता है ना, तो आपके इस टेंडन पे हिट होता है, ठीक है, टेंडन पे जाके लगता है और फिर आपका पाँव उठता है थोड़ा सा, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो बेसिकली इस ये नी जर्क कहलाता है, आपके घुटने को झटका लगता है तो आप अपना पाँव उठाते हो और फिर वापस नीचे कर लेते हो, ठीक है। ये बेसिक, आप कुछ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, इसकी सिर्फ आप रीडिंग कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि वो इसको टेस्ट करेगा, ठीक है, आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, आईज। अब आईज को डायरेक्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत आसान है। जो आपकी आईज होती है ना, सबसे सेंसिटिव पार्ट आपकी आंखों का, सॉरी, आपकी बॉडी जो आपको नजर आ रहा होता है ना, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक तो आपकी स्किन होती है, आपके हेयर्स होते हैं, आपके नेल्स होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा, ये तो सेंसिटिव है ही है, लेकिन सबसे मोस्ट सेंसिटिव जो आपकी आपको नजर आ रहा होता है ना, वो बेसिकली आपकी आईज है। आईज में बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा डिटेल इसमें, मेरे ख्याल में काफी डिटेल गिवन है, मैं आपको यहाँ डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आईज जो है ना, वो आपका थ्री, जैसे आपके फोन के मेगापिक्सल्स होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखी भी नहीं है बात, लेकिन आईज आपकी 376 मेगापिक्सल्स की होती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपकी आईज को 376 मेगापिक्सल्स की रखी है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर विजन नजर आए, आपको सही चीजें नजर आए, ठीक है। जो आपको बाहर वाला हिस्सा व्हाइट कलर का नजर आ रहा होता है ना आंख के अंदर, ये वाला व्हाइट कलर का, इसको कहते हैं स्केलरा, ठीक है। फिर जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है, ये ब्लू कलर का, ये होता है कॉर्निया, ठीक है, ये रहा। फिर ये जो डॉट जहां से आपकी लाइट अंदर घुसती है आंख के अंदर, ये कहलाता है आयरस। आयरस के पीछे एक लेंस होता है जो कि इमेज बनाता है आपकी आंख के अंदर, इमेज बनाने वाला एक लेंस होता है, जब ये आपको नजर आती है चीजें। फिर एक आपकी आंख के अंदर पूरा ये जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर, ये रहा विट्रस ह्यूमर, इसके अंदर होता है विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे होता है। और एक होता है एक्यूअस ह्यूमर, जो कि आप यहाँ पे मौजूद होता है एक्यूअस ह्यूमर यहाँ पे, ठीक है। दोनों लिक्विड होता है, दोनों का काम क्या होता है, आंख को प्रोटेक्ट करना, आंख को ड्राई होने से बचाना, ठीक है। अच्छा, फिर आयरिस के अंदर एक और डॉट होता है जिसे कहते हैं प्यूपल, ठीक है। ये खुलता है, यानी कि खुलता मतलब खुलता तो खुला हुआ ही रहता है, लेकिन बेसिकली होता ये जैसे अगर बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है ना, तो ये आपको नजर आ रहा है, अगर लाइट कम है तो ये खुल जाता है मजीद,
और लाइट अगर ज्यादा है तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा मतलब कम हो जाता है इसका साइज, ठीक है। अच्छा, फिर एक नर्व, एक किस्म की नर्व जो है, जो मैंने अभी आपको बताई, जो आंख से निकल के ब्रेन के अंदर जाती है, वो ऑप्टिक नर्व कहलाती है। और आपकी जो आईज होती है ना, उसकी तीन लेयर्स होती हैं। पहली होती है जो सबसे इनर इनर लेयर जो आंख के अंदर होती है, वो रेटिना होती है, जिस पे आपकी इमेज बन रही होती है, ठीक है। एक होती है बाहर वाली लेयर, जिसे कहा जाता है स्केलेरा, जो व्हाइट कलर का मैंने आपको मटेरियल बताया था ना, ये स्केलेरा होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, देखें, अ टफ आउटर कोट स्केलेरा व्हाइट पार्ट कवर्स ईच आई इन फ्रंट ऑफ द स्केलेरा बिकम ट्रांसपेरेंट टर्म्ड एज कॉर्निया। यहाँ पे देखिए कॉर्निया मैंने आपको बताया, ये रहा कॉर्निया, ठीक है। अब कुछ किस्म के आपकी बॉडी के सॉरी आईज के अंदर, ये जो आपको लेंस को पकड़े हुए ना, ये लेंस को यहां से पकड़ के रखने वाले कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं, जिसे कहा जाता है सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स, सर्कुलर मसल्स होते हैं ये, ठीक है, सर्कुलर या सीलियरी मसल्स कह लो आप, ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं बेसिकली, ये आपकी लेंस को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ आपकी ऑप्टिक नर्व, जहां पे इमेज बनती है ना, वहां पे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेंसरी सेल्स, जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, नाम है उन सेंसरी सेल्स का, बेसिकली नाम है, जो कि बेसिकली लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। फिर वो सिग्नल आपकी बेसिकली जो है वो ब्रेन के अंदर जाता है, और ब्रेन इमेज बनाता है आपकी आईज के अंदर, रेटिना के अंदर इमेज बनती है, ठीक है। रेटिना सबसे इनर लेयर होती है, और स्केलेरा जो है वो आउटर लेयर होती है, ठीक है। ये बेसिकली कुछ आई का स्ट्रक्चर हो गया। और ये आई का स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल 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 ये वाली नहीं बनानी, लेकिन ये वाली डायग्राम आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी बिल्कुल जो है वो टेस्टिंग हो सकती है। इसको भले से आप जो है वो इसको सिर्फ रीड कर लीजिए, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा नोट आपसे पूछेगा, लेकिन मैं फिर आपको यही कहूंगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जैसे देखें सबके पास तो नहीं होगा, अगर ये आपको बहुत बड़ा लग रहा है ना, मैं एहतियाती तौर पे बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास जो है जो भी वीडियो देख रहा है, तो अगर किसी के पास कोई रेफरेंस बुक है, तो आप उससे आई की जो है वो याद कर लीजिएगा, जो आई का मटेरियल है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट नहीं करा सकता, मसला ये है, क्योंकि इसमें हर एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। आप बेसिकली क्या कर लें, आप सिर्फ एक काम कर लीजिएगा, कहीं पे आप नेट पे भी मिल जाएगा आपको, मसला नहीं है, नेट नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आईज के बारे में सिर्फ आपने डिटेल लिखनी है थोड़ी सी, तो डिटेल अगर वो आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले, तो फिर आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप आईज पे आप सिर्फ क्या करिएगा, आईज के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी रेफरेंस बुक से या इंटरनेट से आप उठा के जो है वो डायरेक्ट आप वो मटेरियल लिख सकते हैं। ये काफी बड़ा है, तो मैं इसमें मार्क नहीं करवा रहा, ठीक है। तो मैं इतना आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतना ही मुझे, इतनी मैं आपसे उम्मीद लगा सकता हूँ कि आप जो है वो इसको खुद से जो है वो आप अपनी मर्जी से जितना आपको आसान लगे आप वो याद कर लीजिएगा, आईज का पोर्शन सिर्फ मैं, बाकी मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोलेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसमें से कुछ ना कुछ ढूंढ के आपको मार्क करवा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर प्यूपिल रिफ्लेक्स क्या होता है, बेसिकली आपकी आईज जो बस ये समझ लो, जो ये प्यूपल का मैंने मैंने आपको बारे में बताया ना, कि इसका कम ज्यादा होना, इसका साइज बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, दिस इज बेसिकली प्यूपल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है अकोमोडेशन, अच्छा वैसे ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये लाइट पे डिपेंड करता है इसका साइज प्यूपल का, कि अगर ज्यादा लाइट होती है तो प्यूपल का साइज कम हो जाता है, और अगर लाइट कम होती है तो पीपल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है।
फिर है अकोमोडेशन, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स, टू डू दिस द सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग द इलास्टिक लेंस टू बिकम थिकर एंड मोर कॉन्वेक्स. With age, the lens loses elasticity and as a result, accommodation becomes increasingly difficult. Basically, accommodation है क्या? Accommodation ये है कि ये जो आपके ciliary muscles होते हैं ना, यहाँ पे जो लगे हुए होते हैं, अगर ये बहुत सख्त हो जाए ना, तो ये जो lens है ना, इसकी वजह से तो light अंदर आ रही होती है. Lens basically क्या करता है, आपकी image बनाता है, आपकी retina पे image बनाता है, तो आपको नजर आती है जो आप चीज देख रहे होते हो. आप फॉर सब उसकी दरवाजे को देख रहे हो, किसी दरख्त को देख रहे हो, ठीक है, आप अपने रूम में चीजों को देख रहे हो, तो बेसिकली क्या है, आपको इमेज आपकी आंखों के अंदर बन रही है, तो आपको नजर आ रही है. ये ड्यू टू लेंस है, ये कहलाती है आपकी अकोमोडेशन. ठीक है, ये बेसिकली लेंस आपकी इमेज को फॉर्म करता है ताकि आपको इमेज नजर आए उन ऑब्जेक्ट्स की जो आपको नजर आ रही है, ये अकोमोडेशन कहलाती है. लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है ना, तो ये सीलियरी मसल्स जो होते हैं ना, ये हार्ड होने लगते हैं, सख्त होने लगते हैं, जिसकी वजह से लेंस के अंदर वो इमेज बनाने की सलाहियत खत्म होती रहती है. मतलब खत्म क्या, कम होती रहती है. तो जब भी आपकी इमेज क्लियर नहीं नजर आती, तब आप ग्लासेस वगैरह का यूज करते हो. ठीक है, ये होती है अकोमोडेशन, लैक ऑफ अकोमोडेशन. ठीक है, यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं हो सकती, यानी कि आपको इमेज क्लियरली नजर नहीं आती. इसको भी सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा. ठीक है, रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन. विटामिन ए, हाँ, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखने वाली बात यह है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कुड लीड टू कॉर्नियल अल्सर्स एंड ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की कमी की वजह से आपको जो आपकी कॉर्निया होता है, यहाँ पे अल्सर हो सकता है. अल्सर क्या होता है, अल्सर आपकी कॉर्नियर के अंदर जलन जलन महसूस हो आपको, ये एक अल्सर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली. या अल्लाह ना करे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. तो विटामिन ए बहुत जरूरी है आपकी कॉर्निया को मॉइस्चराइज लुब्रिकेट करने में, ये विटामिन ए का एक रोल है. विटामिन ए से प्रॉपर विजन आता है. इसके अलावा रेटिना के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा. ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस. बेसिकली शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, आपको करीब की चीजें सही नजर आती हैं, लेकिन दूर की चीजें सही नजर नहीं आती. और लॉन्ग साइटेडनेस में उल्टा होता है. लॉन्ग साइटेडनेस में आपको दूर की चीजें तो सही नजर आती हैं, लेकिन करीब की चीजें सही नजर नहीं आती. तो ये ध्यान में रखना, शॉर्ट साइटेडनेस की डेफिनेशन यहां तक नॉर्मली तक, और लॉन्ग साइटेडनेस की यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, फिर आप क्या करते हो, चश्मा पहनते हो और चश्मे से आपको प्रॉपर फिर नजर आता है. ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया कहते हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरोपिया कहते हैं. MCQs में पूछा भी जा सकता है. ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड मायोपिया एंड लॉन्ग साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरोपिया. हाइपरोपिया कह लो, हाइपर मेट्रोपिया कह लो, हाइपर मायोपिया, इसके तीन अलग अलग नाम है. ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, इसका सिर्फ एक सिंगल नेम है, मायोपिया. शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, ये मत समझ जाना कि शॉर्ट साइटेडनेस में करीब की चीजें सही नहीं नजर आती. शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जो चीज सही नजर आ रही है. तो शॉर्ट का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस में करीब की चीजें सही नजर आएंगी और दूर की चीजें सही नजर नहीं आएंगी. लेकिन लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की चीजें तो सही नजर आएंगी पर करीब की नहीं. ठीक है, फिर कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस में होता यह है कि आपको रेड और ग्रीन कलर में या ब्लू और येलो कलर में देखने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. आप इन दोनों कलर में डिफरेंस नहीं बता सकते कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. कुछ लोग होते हैं कलर ब्लाइंड जिनको समझ नहीं आता कलर ब्लाइंड. हाँ, बस वो यही है कि कलर जो आपकी मैं ये कहूंगा कि बस ये जो लिखा हुआ है ना, रेड एंड ग्रीन और ब्लू एंड येलो, इन दोनों में फर्क नहीं नजर आता ऐसे लोगों को. ठीक है,
अच्छा, इसके लिए भी जो है वो कुछ ग्लासेस वगैरह आते हैं, ट्रीटमेंट होता है। अगर ये आपका पैदाइशी नहीं तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट होते हैं। तो बहरहाल उस ट्रीटमेंट पे नहीं जाना, लेकिन आपने कलर ब्लाइंडनेस पे नोट आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस पे नोट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इब्नुल हेशम और अली इब्ने सीना, इनकी सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है कि इसको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। इन्होंने आंखों के हवाले से, आई आंखों की डिजीज, आंखों के ऊपर और वगैरह, चश्मों पे, लेंसेस पे इन्होंने बहुत काम करा है। इसके अलावा इनका भी वही कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक बुक लिखी जिन जिस जिस जिसको मेमोरेंडम ऑफ ऑक्यूलिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्थमोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है, ऑप्थमोलॉजिस्ट। ये मतलब आंखों से ही रिलेटेड इनका जो है वो काम है, ठीक है। तो इस पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इब्न अल हेशम एंड इब्न सीना, ओ सॉरी, अली इब्न ईसा, ठीक है, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्थेलमिक डिजीज, ठीक है। ऑप्थेलमिक मतलब जो आंखों से रिलेटेड डिजीज होती हैं, वो उनकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है वो इन्होंने बताई, ठीक है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन काइंडली आप याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आ सकती है। अब आ जाते हैं ईयर पे। अच्छा, ईयर ईयर भी बहुत आसान है। पहले हम ईयर को छोड़ के एंडोक्राइन सिस्टम पे आ जाते हैं। अब आते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि मैंने आपको नर केमिकल कोऑर्डिनेशन में बताया था ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली इन एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। एंडोक्राइन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर कुछ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, कुछ किस्म के बॉडी पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, और उन केमिकल्स के जरिए आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं उनके। अगर वो ये केमिकल कंपाउंड्स नहीं निकलेंगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली, और उन केमिकल कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है। इनको डक्ट लेस ग्लैंड्स कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं इनको, डक्ट लेस ग्लैंड्स। यानी कि जैसे ब्रेन, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो रास्ता होता है वो नर्व्स कहलाता है ना, नर्व्स के जरिए मैसेज जाता है, और मैसेज जो है वो वापस नर्व्स के जरिए आता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई नर्व्स नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, कोई ब्लड वेसल नहीं होती। सिर्फ ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हॉर्मोन्स को रिलीज करते रहते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ड्रॉप 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 करके, और ये आपके ब्लड में शामिल करते हैं उन हॉर्मोन्स को, और उन हॉर्मोन्स के जरिए आपके ब्लड, वो ब्लड क्या करता है, ब्लड लेके जाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है उन केमिकल्स को, जहां जरूरत होती है, जहां फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो कोई मतलब नर्व्स नहीं होती यहाँ पे, जब इनको डक्ट लेस ग्लैंड्स कहा जाता है। कोई ट्यूब नहीं होती, कोई वेसल नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ केमिकल कंपाउंड को रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, फिर ब्लड का काम होता है पहुंचाना, ठीक है। अच्छा, और ये सारा प्रोसेस को कंट्रोल भी कौन कर रहा होता है, ये हमारा ब्रेन कर रहा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नाम है ग्लैंड्स के, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पोस्टीरियर सॉरी थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास। अभी पढ़ते हैं ये, हम जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली आपके ब्रेन के ऊपर ही होता है, ठीक है। जहां पे आपका ब्रेन है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड भी वहीं होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, बेसिकली वो कुछ किस्म के अच्छा, पहले हम इसका वो पढ़ लेते हैं कि इसके भी, जिस तरह से मैंने आपको सेरिब्रम पढ़ाया था, सेरिब्रम के दो हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर, इसके भी इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड की भी जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या, ये आपका मेन, आपका मतलब जिस तरह ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन है ना, इस तरह से हर एंडोक्राइन ग्लैंड का एक अपना फंक्शन होता है। ब्रेन का अपना फंक्शन है, ब्रेन का काम है कंट्रोल करना। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड
के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिस तरह से ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज लोकेटेड इन ब्रेन एंड कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सिक्रीट्स नंबर ऑफ हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को ये रिलीज करते हैं जब किसी भी बॉडी पार्ट को जरूरत होती है। सबसे पहले आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं ये लिखा हुआ है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, सोमेटोट्रोफिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हॉर्मोन, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, ये है क्या। अब जाहिर सी बात है, मुझे पता है ये, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इस लेवल पे आप लोगों को इतनी एडवांस चीजें देनी चाहिए, लेकिन अब है तो क्या कर सकते हैं। टारगेट ऑर्गन, ये अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन, ये केमिकल कंपाउंड निकलता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है जिन्हें गोनेड्स और टेस्टिस कहा जाते हैं, ठीक है। गोनेड्स कहा जाता है, टेस्टिस और गोनेड्स भी दो किस्म के होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। हॉर्मोन्स यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये पहला हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, कहाँ पे ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जाता है, FSH इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये गोनेड्स के अंदर जाता है और वहां पे ये गैमेट फॉर्मेशन करता है। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स मैं आपको जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको बताऊंगा गैमेट्स क्या होते हैं, अभी आप सिंपल ये याद रखें कि गोनेट्स में जाके क्या करते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है, ये समझ लें रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं कुछ, उनकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स भी गोनेट्स के अंदर जाता है, गोनेट्स के अंदर जाके ये यहाँ पे तो बेसिकली डिवेलप कर रहा होता है गैमेट्स को, यहाँ पे गैमेट्स रिलीज कब होंगे, वहां पे डेवलपमेंट का काम होता है और यहाँ पे रिलीज, क्योंकि गैमेट्स रिलीज होंगे तभी वो डेवलप होंगे, बगैर रिलीज हुए बगैर जो है वो बने हुए वो उस वो डेवलप तो नहीं हो सकते ना, तो पहले रिलीज होंगे फिर डेवलप होंगे, तो रिलीज करने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है और डेवलप करने का काम फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के अंदर ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का क्या मतलब होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, थायराइड, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और इस थायराइड ग्लैंड की वजह से जब ये कंट्रोल करेगा ना, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो दो किस्म के हार्मोन निकालेगा, एक थायरोक्सिन और एक कैल्सीटोनिन, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपको ये समझ आया, थायराइड ग्लैंड के बाद जब मैं थायराइड ग्लैंड पे आऊंगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, अच्छा हाँ कहाँ पे था मैं, ठीक है, सोमेटोट्रोफिन आपकी ग्रोथ को कौन करवाता है, ये बोन्स और कार्टिलेजेस और मसल्स के अंदर जाके, मतलब वहां पे इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, यानी कि कहाँ पे जाता है ये सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, बोन्स के अंदर, कार्टिलेजेस के अंदर जाता है और फिर आपकी ग्रोथ ग्रोथ होती है, आपके बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी स्ट्रक्चर को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर एडिनोकॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ACTH, ये आपके बेसिकली किडनीज के अंदर एक किस्म का ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। फिर मिलेनोसाइट हार्मोन या मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन के ऊपर जो कलर जो आपका आता है ना, गोरा और किसी का ब्राउन सांवला, किसी का डार्क कलर होता है, किसी का फेयर होता है, ठीक है, ये इस कलर स्किन की पिगमेंटेशन को, कलर को कंट्रोल करने का काम मेलेनोसाइट का होता है, स्टिमुलेट्स पिगमेंटेशन, मिलेनिन इन स्किन, मिलेनिन बेसिकली वो पिगमेंट होता है, वो कलर होता है जो आपकी मतलब वो
एलिमेंट होता है जो आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, कलर देता है, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करता है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इट एक्चुअली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स, ये मी आप काट दें, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, फ्यू न्यूरॉन्स, अच्छा एक मिनट, फ्यू न्यूरॉन्स लिखा हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ पे, यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल में मिस प्रिंटिंग हो गई है ऑफ। अच्छा फिलहाल यहाँ पे देखें, हाइपोथैलेमस स्टोर एंड सिक्रीट, फिर मिस प्रिंटिंग हुई है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जाम्पल्स। हाँ इसमें सिर्फ ये याद करने वाला है, देखें हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस कुछ हॉर्मोन्स निकालते हैं और वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जो दूसरा पार्ट होता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां पे ये स्टोर हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला स्टोर होता है एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे ये देखें कुछ यहाँ पे, अच्छा अब समझ आया, ये रहा, तो इट एक्चुअली स्टोर्स एंड रिलीजेस सम हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, फ्यू न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर्स एंड सिक्रीट हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एग्जांपल्स ऑफ सच हार्मोन्स आर एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम एंड ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स ग्रेटर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एज वेल एज सोशल बिहेवियर। अच्छा सिर्फ ये क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले दो हॉर्मोन्स हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन मैंने आपको जब मैं होमियोस्टेसिस से पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था एंटी डायरेटिक हॉर्मोन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों एक ही नाम है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है वो डायरेक्ट आके कहाँ पे स्टोर हो जाता है, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन के सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर इसको रिलीज करता रहता है। फिर एडीएच मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स होते हैं, दूसरे मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, बेसिकली जो होते हैं ना स्मूथ मसल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्डियक मसल्स, I'm talking about smooth muscles. Smooth muscles की contraction को ये control करता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा pituitary gland के ऊपर note वो पूछ सकता है, detail note. तो pituitary gland पे long question आ सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, diagram आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने बाकी सब ये पूरा chart आपने copy करना है, याद करना है, ठीक है। अब आ जाएं एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन, आप यहां तक यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये हो गया एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन। अच्छा अब आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड। अब मैंने आपको बताया जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो आपकी नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है, आपकी नेक के अंदर बेसिकली एक ग्लैंड होता है, ठीक, लैरिंक्स के नीचे होते हैं आपके, ठीक है। तो थायरोक्सिन, और इसका काम क्या होता है, थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन को रिलीज करना। थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन होता है और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी बॉडी के लिए, इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सेल्स, इट रेगुलेट्स द फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। थायरोक्सिन अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी सोच जो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपकी आप मेच्योर होने लगते हो, आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है तभी आप समझदार होते हो, तो वो बेसिकली ड्यू टू थायरोक्सिन होता है, और थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन होता है, आयोडीन की वजह से होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, यानी कि बंदा जो है वो थोड़ा मेंटली रिटार्ड हो जाता है, ठीक है, वो आप कहते हैं जिसको थोड़ा पागल हो जाता है, ठीक है, उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, वो बेसिकली ड्यू टू दिस इस वजह से होता है, ठीक है। अगर अगर आपका ये
ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, अगर ये इन्फ्लेमेशन हो जाए और ये अपने साइज से बड़ा हो जाए तो बेसिकली ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है और इसको कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। इसको कहते हैं ग्वाइटर, इस कंडीशन, जब एक ऐसी कंडीशन जिसमें थायरॉइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, अपने साइज से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्वाइटर। फिर कैल्सीटोनिन क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, ये रहा, ये देखें, ये ग्वाइटर कहलाता है, ये थायरो, ये नॉर्मल है और ये बड़ा हो गया, ये ग्वाइटर कहलाता है, ठीक है। अगर अगर आपका आयोडीन का इंटेक जो है वो कम है तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ग्वाइटर। और जो कैल्सीटोनिन, थायरोक्सिन का समझ आ गया, थायरोक्सिन आपकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट करवाता है और इसके अलावा दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्सियम निकला है कैल्शियम से, तो बेसिकली जब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन सॉरी कैल्सीटोनिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम। सिर्फ होता है ये कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि देखें होम्योस्टेसिस एक मेंटेन होता है ना, मैंने आपको होम्योस्टेसिस पढ़ाया था, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक कैल्शियम का लेवल होता है, अगर वो बढ़ेगा ना तो उसके चक्कर में उसकी वजह से थायरॉइड ग्लैंड जो है वो एक एलिमेंट रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कैल्सीटोनिन कहते हैं। और ये कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल लेवल पे लेकर आता है, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल लेवल पर आता है, लेकर आता है। और ये थायरॉयड ग्लैंड की पूरी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, थायरॉयड ग्लैंड की मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन, ओ सॉरी, डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, आ सकता है, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप बना लीजिएगा। फिर इन पेन पेनक्रियास, पेनक्रियास बेसिकली आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड का ये एक पार्ट है। तो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास के सेल्स को कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। पेनक्रियास इज अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग, लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी इन बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान ये होता है, ये आपका पेनक्रियास है, जो येलो कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली पेनक्रियास। और इन पेनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसे कहते जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। देखो पेनक्रियास ना बेसिकली आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है और पेनक्रियास का काम होता है एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका रोल होता है। तो सिर्फ वो हिस्सा जो एंडोक्राइन से डील करता है, जो एंडोक्राइन के सेल्स, यानी कि इसके अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं और कुछ डाइजेस्टिव सेल्स हैं, तो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं ना सिर्फ उनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेट करते हैं उनको नहीं कहा जाता। इट इन्वॉल्व्स इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, आपका शुगर लेवल, आपका ग्लूकोज, अगर ज्यादा आपकी शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है ना तो बेसिकली पेनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है, और इंसुलिन आपके हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे लेकर आता है, ठीक है। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, लो शुगर लेवल हो जाता है, तो फिर आपके ये पेनक्रियास क्या करता है, ये एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहा जाता है ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन आपके शुगर लेवल को वापस कम से नॉर्मल लेवल पे लेकर आता है। तो इंसुलिन, अगर हाई शुगर लेवल है तो इंसुलिन निकलेगा और नॉर्मल लेवल पर लेकर आएगा, और अगर लो शुगर लेवल है तो ग्लूकागॉन निकलेगा तो वो भी नॉर्मल लेवल पे लेकर आएगा, ठीक है। और ये पेनक्रियास की डेफिनेशन और पेनक्रियास के ऊपर नोट पूरा डिटेल, पेनक्रियास के ऊपर तो 100% वो पूछ सकता है। फिर एक और होता है, एक डिजीज है डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस जिनको शुगर हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज इट इज अ डिसऑर्डर इन विच पेनक्रियास प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट और नो इंसुलिन, एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बिकम्स वेरी हाई, द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग यूरिन इज इंक्रीजेस मेनी टाइम, मोर ओवर द पेशेंट फील्स वेरी थर्स्टी एंड हंग्री इन एब्सेंस ऑफ यूजिंग और स्टोरिंग ग्लूकोज बाय सेल्फ, द पेशेंट लूसेज वेट एंड गेट टायर्ड। बेसिकली होता यह है कि एक मिनट में पहुंची, ठीक है। बेसिकली होता यह है कि जो
आपके जो पेनक्रियास होता है ना, पेनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन निकल रहा होता है ना, तो जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाए ना तो क्या होता है, इंसुलिन निकलता है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेनक्रियास के जो वो सेल्स जिनसे इंसुलिन निकलता है, जिनसे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। या तो इंसुलिन बहुत बहुत कम निकलता है या निकलता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, शुगर लेवल तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो होता यह है इस कंडीशन में कि शुगर लेवल आपको फिर इंजेक्शन से इंसुलिन लगाया जाता है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए। ठीक है, ये पैदाइशी भी हो सकता है या आपको हो भी सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी को ना हो, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि जब इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर निकलना बंद हो जाता है, पेंक्रियास से नहीं निकलता, तो उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई रहता है और आपका ग्लूकोज का लेवल नहीं, नॉर्मल नहीं हो पाता। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको दवा वगैरह लेनी पड़ती है, मेडिकेशन लेनी पड़ती है, फिर ही नॉर्मल होता है। ठीक है, अच्छा बहरहाल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्लूकोज की वजह से जो यूरिन होता है उसके अंदर ग्लूकोज के पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को भूख और प्यास बहुत लगती है जिसको शुगर होती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। और डायबिटीज मेलाइटिस पे 100% वो नोट पूछेगा, तो डायबिटीज मेलाइटिस पे आप ये नोट याद कर लीजिएगा, लाजमी लाजमी शॉर्ट नोट वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्टेड। अभी मैंने आपको बताया इसका यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट सम पेशेंट्स में शो एलर्जिक रिएक्शन टू दिस एनिमल इंसुलिन, इट हैज बीन ओवरकम बाय यूजिंग प्योर ह्यूमन इंसुलिन मेड बाय जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया। ये सिर्फ इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि इंजेक्टिंग इंसुलिन को बस इंजेक्ट करना पड़ता है, इंजेक्ट करके आप इंसुलिन फिर जो है वो इसका यही ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये सारे फ्रूट्स हैं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ना आप ट्रीटमेंट याद कर लीजिएगा, ट्रीटमेंट TREATMENT, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट की हेडिंग डाल के ट्रीटमेंट, ये डायबिटीज मिलाइटिस और ये उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, बस अब इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, बाकी एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड अभी मैंने आपको बताया आपकी बेसिकली किडनीज के ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, गुनेड्स वगैरह ये पढ़ लेते हैं, ये आपका बस तकरीबन एंड ही हो गया है। बेसिकली गुनेड्स क्या होते हैं, गुनेड्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दो किस्म के गुनेड्स होते हैं, एक होता है ओवरीज जो फीमेल में होता है और एक होता है टेस्टिस जो मेल में होता है। ठीक है, टेस्टिस बेसिकली आपके जो मेल्स में टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस आपके जो लोअर रीजन होता है जहां पे जो मेल मेल्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मेल्स के अंदर जो रीजन ये टेस्टिस जो है वो आपके बेसिकली स्क्रॉटम के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये स्क्रॉटम क्या होता है, ये आपकी बुक में नहीं गिवन है ना, ना कोई ऐसा जो है वो आपकी बुक में पिक्चर गिवन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी मुझे कोई पिक्चर मिल जाए ढंग की तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये रहा, ठीक है,
ये रहा बेसिकली, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर, ये रहे ओवरीज, और ये मेल के अंदर यहाँ पे जो बाहर ये स्क्रॉटम कहलाता है, ये वाला हिस्सा स्क्रॉटम कहलाता है, और ये टेस्टिस हो गए, ये स्क्रॉटम हो गया, ठीक है। ये इतना डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेस्टिस हो गए, ये स्क्रॉटम हो गया, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया जिसमें ओवरीज होती हैं, ठीक है। अब वापस अपने इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस बेसिकली इस स्क्रॉटम के अंदर, पाउच के अंदर, जैसे पाउच होता है वैसे स्क्रॉटम इज अ पाउच, ठीक है। मेल्स वगैरह में ये टेस्टिस होते हैं, और ओवरीज जो है वो फीमेल में होती हैं। फीमेल, अब ये ओवरीज क्या करती हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन दो अलग अलग हॉर्मोन्स हैं, ये दो अलग अलग हॉर्मोन्स निकालती हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में जो है वो कुछ लड़कियों वाली जो अपियरेंस होती हैं, लंबे बाल, शाइनी स्किन, ठीक है, नेल्स, उनको अपने नेल्स को शाइनी नेल्स जो होते हैं उनकी स्किन ग्लोइंग होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेस्ट का निकलना, ठीक है, और लड़कियों की पतली सी आवाज होती है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये सारी जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, जो वो किसकी वजह से होती हैं, वो एस्ट्रोजिन और प्रोग्रेस्टेरॉन की वजह से होती हैं। इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं वो प्रेगनेंसी वगैरह उनकी जो होती है वो भी इस इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से होती है, ठीक है। फिर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर से टेस्टोस्टेरॉन निकलता है, जिसके जिसकी वजह से बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं आपको, जिसमें मुस्टैचेस, मूछ निकलना, दाढ़ी निकलना, आवाज भारी होना, ये सब लड़कों की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरॉन, और जो कहाँ से निकलता है, ये टेस्टिस से, ठीक है। तो ये गोनेट्स के ऊपर ये शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। अब आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड ये आपको नजर आ रहा है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ये ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड, अब एड्रिनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेड्यूला। इनर वाला जो हिस्सा होता है वो एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है, और जो आउटर, ये जो लाइट कलर का रीजन है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। जैसे मैंने आपको किडनी में पढ़ाया था, आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेड्यूला, इसमें भी वैसे ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, इट इज कॉर्टिसोल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इन रिस्पॉन्स टू इलनेस और इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी टिश्यूज। इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन, एड्रिनल मेड्यूला रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी कंडीशन टू प्रोड्यूस सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इट सिक्रीट्स एड्रेनलिन एंड इमरजेंसी हार्मोन। अच्छा, अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, उसमें से एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, और जो एड्रिनल मेड्यूला है ना, उसमें से एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन और इमरजेंसी हार्मोन। आप तेज भाग रहे हो, आपको एनर्जी की जरूरत है, आपकी सांस फूलने लगती है, इमरजेंसी कंडीशन है, बेसिकली आपका आपका ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कंज्यूम हो रहा है, आपका ग्लूकोज जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंज्यूम हो रही है। तो होता यह है कि जो शुगर लेवल है ना आपकी बॉडी के अंदर, जो एक आप शुगर लेवल है उसको कंज्यूम करना, और जब वो खत्म हो जाता है तो अब आगे क्या परफॉर्म करना है, ये सब एड्रेनलिन कंट्रोल करता है, ठीक है। या फिर ग्लूकोज बढ़ रहा है, ठीक है, तो एड्रेनलिन बेसिकली क्या करता है, ये निकलता है और ये फॉरन पैनक्रियास को जाके ऑर्डर देता है कि इंसुलिन को बाहर निकालो, इंसुलिन को बाहर निकालो, ताकि इंसुलिन से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए। एड्रेनलिन का ये काम होता है, इमरजेंसी, कोई बॉडी में इमरजेंसी हो गई है कहीं पे, आपकी बॉडी के अंदर कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस जो होते हैं ना, जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, तो वहां पे फॉर सपोज ठंडे पानी में हाथ डालोगे तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये सारा काम जो है, अब जाहिर सी बात है, आपके ब्लड को फ्रीज होने से बचाने का काम, ठीक है, ठंडे पानी यानी कि आपका खून
जो आपका ब्लड होगा वो भी ठंडा, आप बॉडी यानी कि आपके ब्लड का जो टेम्परेचर होगा वो भी ठंडा होना चाहेगा, तो उस को रोकने के लिए एड्रेनलिन निकलता है, और एड्रेनलिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि सारी जितनी भी कंडीशंस हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, ये एड्रेनलिन का काम है इमरजेंसी सिचुएशंस में, और कॉर्टिसोल का काम है। कॉर्टिसोल्स जो है वो फॉर सपोज इन्फ्लेमेशन हो गया कहीं पे, इलनेस हो गई, आपको कहीं पे चोट लग गई, ठीक है। और इसके अलावा फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक बात करूं कि ये भी मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जो दोनों है ना, दोनों हॉर्मोन्स का काम ये है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं बस, और कोई ऐसी आपकी बॉडी में हरकत होती है तो ये हॉर्मोन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव नीड की वजह से निकलते हैं। कॉर्टिसोल एक ऐसा हॉर्मोन है जो कि जब इन्फ्लेमेशन या कोई इलनेस होती है जब निकलता है, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, और एड्रेनलिन जब निकलता है जब जैसे ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है या ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाना है तो जब निकलता है, तो ये बेसिकली सारी इमरजेंसी कंडीशंस हैं, इसमें निकलते हैं ये सारे हॉर्मोन्स, ठीक है। एड्रेनलिन सॉरी एड्रिनल ग्लैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने शॉर्ट नोट आ सकता है, डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। फिर आता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। पहले फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ये भी आपने करना है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ये आपके उसमें तो काफी, क्योंकि आप तो पहली बार पढ़े हो, ये इससे पहले तो ये बुक नहीं आई थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फीडबैक जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में का ये टॉपिक, और ये बहुत पूछा जाता है, तो चांसेस हैं कि ये इसमें भी पूछा जाए। तो बेसिकली नेगेटिव एक फीडबैक सिस्टम क्या होता है, फीडबैक सिस्टम बस ये होता है, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है आपकी बॉडी के अंदर, कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर या आपकी बॉडी में कहीं एबनॉर्मेलिटी आई है, फॉर सपोज आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर वो बढ़ेगा, एबनॉर्मली बढ़ने लगेगा, तो ये फीडबैक चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, अलार्म बजेगा आपकी बॉडी के अंदर, या अलार्म मतलब ऐसे नहीं बजता, मैं ऐसी एक बात कर रहा हूँ, फीडबैक सिस्टम एक्टिव होता है, एक्टिव होता है, फिर वो जाके देखता है कहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, वहां पे जाके चेक करता है, देखता है, ठीक है। जैसे फॉर सपोज अभी ये एग्जाम्पल से समझ आएगा, ठीक है, और फिर वापस उसको नॉर्मल करता है, ठीक है। तो फीडबैक बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। फिर होता यह है कि एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है। नेगेटिव फीडबैक में ये होता है कि अगर फॉर सपोज एक चीज कम हो रही है उसको बढ़ाएगा और नॉर्मल लेकर आएगा, या अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसको कम करेगा और नॉर्मल लेकर आएगा। अभी सिर्फ ये बात याद रखना, ये होता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसको बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा, और अगर एक चीज कम हो रही है तो उसको और कम करेगा या उसको मजीद कम करेगा, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ा, क्या आपकी बॉडी के अंदर आपने कुछ मीठा खाया, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ना शुरू हुआ, आपकी बॉडी में एक नॉर्मल शुगर लेवल था अब बढ़ना शुरू हुआ, तो अब क्या होगा, अब इंसुलिन निकलेगा, पहले तो वो एड्रेनालिन निकलेगा, है ना, फिर वो एड्रेनालिन जो है वो क्या करेगा, इंसुलिन को कंट्रोल करके उसको बाहर निकालेगा पेनक्रियाज से, और पेनक्रियाज से जो इंसुलिन निकला है वो क्या करेगा, इसको कम करेगा, अपोजिट इफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के कंट्रोल सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज ये कंट्रोल सिस्टम उसको कम कर रहा है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज उसको बढ़ा रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। और एक है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये आपको एग्जाम्पल थोड़ी मुश्किल लिखी हुई है, लेकिन अब आप इसको ऐसे ही समझ दो, जब जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको
जो फीड करवाती हैं मदर्स, मदर्स वगैरह फीड करवाती हैं, तो बेसिकली होता यह है कि जो निपल्स होते हैं ना मदर की बॉडी के अंदर, जो ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, मदर की बॉडी के अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें निपल्स होते हैं, ठीक है, निपल से सक करता है। जैसे जो आपने फीडर वगैरह देखी है ना, सबने देखी है, तो बच्चे को जब फीडर देते तो उसको वो जो फीडर के अंदर निपल होती है उसको सक करता है, चूसता है उसको। तो बेसिकली जब मदर फीड करवा रही होती है ना, तो होता ये कि जो निपल्स को जब वो छोटा सा बच्चा जब वो सक करता है, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि मिल्क निकल रहा होता है, मदर बॉडी में से मिल्क निकल रहा होता है, एक चीज बढ़ रही है, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो होगा ये कि फीमेल बॉडी के अंदर, जो मदर बॉडी होती है उसके अंदर ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से इस मिल्क की प्रोडक्शन मजीद बढ़ने लगती है। कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट करता है, कंट्रोल सिस्टम ने डिटेक्ट क्या करा, फीमेल मदर बॉडी के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो होगा क्या, ये और हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, और उन हॉर्मोन्स की वजह से मिल्क की प्रोडक्शन मजीद बढ़ेगी, यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद कर लेना है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं लास्ट चीज। अच्छा इसको आप पूरा ही कर लीजिएगा। अब ये है क्या, पैरालिसिस और एपिलेप्सी। पैरालिसिस में सिंपली क्या होता है, आपके आपका इमोबाइल हो जाना, या आपके मसल्स का, आपकी मसल्स बेसिकली मोबिलिटी को लूज कर देते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम तो आपको पता है ना कि बेसिकली होता यह है कि आपके नर्वस सिस्टम में कोई ऐसा डिजीज आ गया है, कोई ऐसा डिसऑर्डर आ गया है जिसकी वजह से आपके वो ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। इसमें सबसे पहला है पैरालिसिस, बहुत सारे हैं लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ दो हैं। पैरालिसिस, क्या करता है, पैरालिसिस की वजह से आपकी जो मसल्स को जब आप मूव करवा रहे हो ना, ये मूव करवाना बंद, यानी कि जो वहां पे नर्व्स होती है ना वो काम करना बंद कर देती हैं, तो सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप अपनी मसल्स को मूव नहीं करा सकते, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट कॉज बाय इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वन और मोर मसल्स। इट मे बी अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन। मैंने आपको बताया नर्व्स वहां पे काम करना बंद कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इज आइदर ब्लीडिंग और हेमरेज। वहां पे ब्रेन, अल्लाह ना करे, ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा जिस बॉडी पार्ट को वह कंट्रोल कर रहा है वहां पे ब्लड निकल रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है अक्सर, तो उस वजह से भी हो जाता है, यानी कि ब्लड ब्लड जो है वो वहां पे, क्योंकि आपकी ब्रेन को भी तो जरूरत है ना ब्लड की, तो लेकिन अगर वहां पे ब्लड वेसल्स अल्लाह ना करे फट जाए, ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो वो ब्रेन हेमरेज हो सकता है वहां पे, और ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालिसिस हो सकता है। इसकी सिंपल एक ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आप करवानी पड़ती है, एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, तो ये आप मतलब मजीद बेहतर, कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो सकते लेकिन बहुत बहुत बेहतर हो सकता है। फिर एपिलेप्सी, में क्या होता है, सीजर्स लगते हैं, सीजर का मतलब झटके लगते हैं आपको, ठीक है। जिस बंदे को एपिलेप्सी होता है ना, तो उसको झटके लग रहे होते हैं फौरन, ये समझ लें, ठीक है। और या तो कभी वो उन झटकों की वजह से बेहोश हो जाता है, उसके मसल स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, अनयूजल एबनॉर्मल जर्क्स लगते हैं मसल्स के अंदर, एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही होती है मसल के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा आइस के अंदर वगैरह स्पेशली, या लेग्स के अंदर बेसिकली, ठीक है। आप हल्का सा स्टिमुलस भी उसको टच करेगा, उसको झटके लगना शुरू करेंगे, हो जाएंगे, स्टिमुलस हल्का सा उसकी बॉडी के अंदर आएगा, ये चेंज लेकर आएगा, कोई भी ऐसा चेंज जो उसकी बॉडी के अंदर आता है, तो जिसको एपिलेप्सी होता है उसको झटके लगना फौरन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक किस्म का ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये और जाहिर सी बात है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो बंदा जो है वो इसकी वजह से अगर ये बहुत अल्लाह ना करे सीवियर हो जाए, तो फिर
बंदा झटके लगने से बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियस, और बॉडी के मसल स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मेडिकेशन से, जो आप प्रॉपर मेडिकेशन आपको लेनी पड़ती है, यानी कि प्रॉपर एक ट्रीटमेंट कराता करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, तो जब आपका ये ठीक होता है, ठीक है, फिर पैरालिसिस से लेकर यहाँ तक एपिलेप्सी तक जो है वो नोट आ सकता है, तो पैरालिसिस पूछ ले वो, एपिलेप्सी पूछ ले। अब आ जाए वापसी ईयर पे, ईयर। अच्छा ईयर, हियर, ईयर आपको, आप किस मतलब क्या चीज कंट्रोल करता है? हियरिंग और बैलेंस को, ठीक है। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना, ईयर कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। द पिना इज कंपोज्ड ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन और एंड कार्टिलेजेस। द पिना लीड्स इन टू द ईयर कैनाल विच इज क्लोज्ड एट द इनर एंड बाय टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ईयर कैनाल हैज हेयर, प्रोड्यूसेस वैक्सेस टू ट्रैप डस्ट एंड स्मॉल फॉरेन बॉडीज। द आउटर ईयर कलेक्ट्स एंड ट्रांसमिट साउंड वेव्स। बेसिकली होता है, ये जो आपको आउटर रीजन नजर आ रहा है, ये आपका होता है पिना। ये जो रास्ता अंदर की तरफ जा रहा होता है, ये इनर ईयर कैनाल होती है, और फिर जिसको आप कान के पर्दे बोलते हैं ना, जिसको आप कान के पर्दे बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेम टर्मिनोलॉजी में, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जैसे ईयर ड्रम कहते हैं। यहाँ पे आपकी साउंड आपको सुनाई देती है, ठीक है। फिर होता है ये आपका आउटर ईयर हो गया, ठीक है, ये आउटर ईयर हो गया। फिर एक होता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में कुछ बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये लिखी हुई है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये उन बोन्स के नाम है। द मिडल ईयर इज कनेक्टेड विद नेजल कैविटी थ्रू स्मॉल ट्यूब, द यूस्टिशियन थ्रू ट्यूब, यूस्टिशियन ट्यूब ट्यूब कहते हैं, ठीक है इसको। ये जो मिडल ईयर है, ये इस ट्यूब से कनेक्टेड है जो आपकी नोज से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, और यूस्टिशियन ट्यूब का काम क्या होता है? इसका काम होता है साउंड वेव्स को रिसीव करना और उनको ट्रांसफर करना या ट्रांसमिट करना इनटू द इनर ईयर, ठीक है। पहले साउंड वेव्स आती है आउटर ईयर से, जाती है मिडल ईयर, मिडल ईयर से जाती है यूस्टिशियन ट्यूब के अंदर, और यूस्टिशियन ट्यूब उसे इनर ईयर के अंदर लेके जाती है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे लेके जाती है, ठीक है। फिर आता है कुछ इनर ईयर। इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ फ्रंट मेम्ब्रेनियस कॉकलिया कहते हैं इसको, ये जो हिस्सा ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं कॉकलिया। यहाँ पे आपके सारे सिग्नल्स, जो आपको साउंड सुनाई दे रही होती है, वो यहाँ पे आके आपको सही से सुनाई देती है, ये कन्वर्ट होती है मैसेज जो आपके अंदर आता है, फिर वो आप, ये जो आपको मेरी आवाज आ रही होगी, ये बेसिकली कॉकलिया जो है वो उसको साउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये बस इतना आपकी डिटेल, इतनी डिटेल्स काफी हैं आपके लिए। बाकी ये वाली डायग्राम आप याद याद सॉरी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये डायग्राम आप बनाइएगा जरूर, ये बिल्कुल बिल्कुल 110% ये भी पूछी जा सकती है आपकी, ठीक है। बाकी मैं आपको ये ईयर मार्क करवा रहा हूँ, ईयर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बस, ठीक है। ये इनर ईयर की हो गई, चले मैं आपको ये भी मार्क करवा देता हूँ। नहीं यार, बल्कि इसको पूरा ही मार्क करना पड़ेगा, मैं इसको कम नहीं करवा सकता, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ने वाली नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, इसको आप अपने पूरा ही करना पड़ेगा। बाकी ये डायग्राम आपने करनी है, फिर रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस, ठीक है, ये इनर ईयर, ये रहा, ठीक है, कॉकलिया, ये रहा। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड, एनी ऑफ द चेंजेस आर डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स फाइबर्स। द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आर कनेक्टेड एंड लाई राइट एंग एंड लाई राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द वेस्टिब्यूल्स। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल्स आर इन्वॉल्विंग इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। अच्छा, ये आपका है इनर ईयर, जिसे कॉकलिया कहते हैं, जो ब्लू कलर का है ना, ये कॉकलिया है बेसिकली।
तो ये रहा आपका इनर ईयर, ये कॉकलिया हो गया, ये इससे निकली भी सारी इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये वेस्टिब्यूल हो गया, ये पूरा जो हिस्सा है ना वेस्टिब्यूल है, ठीक है। ये सारा काम जो आपके आपके साउंड वेव्स आती है ना, बेसिकली ये जो कॉकलिया है ये इसको कन्वर्ट करता है साउंड के अंदर, ठीक है। ये जो सिग्नल्स बेसिकली आ रहे हैं ना, ये आपके ब्रेन को मैसेज देना कि साउंड आ रही है, आपके ब्रेन फिर वापस कॉकलिया को मैसेज प्रोवाइड करता है कि इसको साउंड वेव में कन्वर्ट करो, साउंड में कन्वर्ट करो मतलब, ठीक है, ताकि बंदे को सुनाई दे, ठीक है, कि वो कह क्या रहा है तो, या क्या सुन रहा है, वो क्या सुनना चाह रहा है, ठीक है। बेसिकली कॉकलिया की जो है वो फंक्शन होता है। तो ये आपका रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कॉकलिया की डायग्राम बनानी है आप लोगों ने, ठीक है, ये हो गई। और यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया एंड। आई होप आप लोगों को समझ आया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ये पूरी रिकॉर्डिंग सुने, आप थोड़ा थोड़ा करके भी सुन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको मार्क करवा दूं, नहीं ठीक है, बल्कि हो गया, आप लोगों ने सब कुछ मार्क कर लिया, ठीक है, ओके। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर इसके सेकंड लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन के साथ, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन में अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शन पे आप लोग जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो बड़ा चैप्टर है रिप्रोडक्शन और जीन्स एंड इनहेरिटेंस, तो वो आप लोग अगला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है।